The Deputy Commissioner Gandharbal Kritika Jayotsena today urged the people of the district to continue following COVID appropriate behavior CAB strictly as per laid down guidelines. She said during a regular press briefing to share a COVID situation and mitigation efforts put in place in the district. While giving details, the DC said that number of COVID positive patients and positivity rate is continuously declining in the district and restrictions are also eased accordingly. She said that with the ease of restrictions, people are continuously requested to follow COVID-19 protocols and guidelines issued from time to time. But it is observed in last few days, people are not strictly adhering COVID protocols in markets and picnic spots and urged every individual to understand the gravity of the situation. She said that people are again appealed to strictly follow the guidelines, wear masks properly, avoid gathering and wash your hands to avoid the spread of coronavirus in the district. Reported by Glacier Times. General public at large is COVID appropriate behavior ko adhere bilkul bhi nahi kar rahi hai. Agar main pichle do weekends ki hi baat karu, humne bahut zyada bheed dekhi, markets mein bhi aur any jagahon par bhi. Dekhiye, main samajh rahi hu ki jab bahut zyada restriction hota hai, jab bandi ka mahol chal raha hota hai, tab ghar mein baithe baithe logon mein bhi ek tarah ki tension develop hoti hai. Aap log chahte hain ki aap log bahar nikle, थोड़ा अपने परिवार के साथ कहीं जाएं, बाजार से जाके खरीदारी करें, लेकिन प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें करिए, बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हुए ही इन चीज़ों को करिए. हमने काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट पे फैमिलीज को देखा पिकनिक मनाते हुए, लेकिन उसमें से किसी ने भी अपना मास्क नहीं लगा रखा था. आई होप आप लोग समझते हैं कि जब ऐसी कोई गैदरिंग होती है, जब एक दो या तीन परिवार एक साथ होते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, फाइन लगाना हमें भी उचित नहीं लगता है. हम भी नहीं चाहते हैं कि हम आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट दें, लेकिन प्लीज़ समझिए, अगर आप सोचेंगे कि कोविड बिल्कुल चला गया है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची है, जैसे हम पहले रह रहे थे अब हम वैसे ही रह सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉशन करूँ कि प्लीज़ दैट इज़ नॉट द सिचुएशन. जुलाई अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर इन्फेक्शन फिर से बढ़ने लगे तो उसकी जिम्मेदारी देखिए हम सबकी बनेगी. प्लीज़ मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जैसे अभी ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कोरोना अप्रोप्रिएट SOPs को शामिल करना है. अन्य कोई भी रोक टोक फिलहाल प्रशासन की ओर से आपकी तरफ नहीं लगाई जा रही है और हमारे डॉक्टर्स की टीम ऑल द टाइम 24 आवर्स अवेलेबल है आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए. दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है वो ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 18 से 44 की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है. अब हमारी जानकारी में ये आया था कि संभव वैक्सीन को लेकर रिलक्टेंस यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें जो एक सबसे बड़ा इशू था वो था इनफर्टिलिटी का, कि यदि ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो इनफर्टिलिटी का इशू हो जाएगा, जिसके चलते हमारी काफ़ी ज़्यादा जो यंग पॉपुलेशन है वो इस वैक्सीन को लगाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी. रादर पिछले हफ्ते अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कुछ हेल्थ टीम्स थी उनको काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंस का सामना करना पड़ा. इसी के चलते हमने सैटरडे अपने सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के एक मीटिंग कन्वेन करी थी, जिसमें हमारे सारे अफसर लोग थे, हमारे PRIs थे, हमारे मौलवी और इमाम साहब थे जो रिप्रेजेंटेटिव मस्जिदों से आए थे, हमने NGOs को बुला रखा था, काफ़ी सारी जो हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था, यूथ एसोसिएशन जैसे जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, क्योंकि हम भी जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है. हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया. उस डिस्कशन में जो भी लोगों के शको शुभा थे उसको मेडिकल टीम ने बहुत ही अच्छे से दूर किया और हमने फिर से रिक्वेस्ट की अपने सभी स्टेक होल्डर्स से कि आप लोग भी पब्लिक में जा करके इस जागरूकता को फैलाइए. मुझे लगता है ये हम सबकी जिम्मेदारी है, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है कि यदि कोई और सिटीजन किसी बात को समझ नहीं पा रहा है या उसको लेकर के उसको कोई शंका हो रही है, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस शंका को दूर करें. हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे मीटिंग में सब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम लोग ये मैसेज अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर फैलाएंगे. देखिए, एक महीना हो गया है 18 से 44 के वैक्सीनेशन को इस डिस्ट्रिक्ट में शुरू करे हुए, लेकिन एक महीने में सिर्फ 14% हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई थी
उस मीटिंग के बाद ही पिछले 2-3 दिनों में इटसेल्फ हमने अपनी फर्स्ट डोज 18 से 44 की जो है उसमें हमने एक उछाल देखा है कि ऑल ऑफ अ सडन वो जो वैक्सीन थी वो हमारी ज्यादा मात्रा में लोगों ने लेनी स्टार्ट कर दी। इसका तो यही तात्पर्य निकलता है कि पहले कुछ शक था, पहले कुछ डाउट्स थे, लेकिन एक बार जब वो डाउट्स क्लियर हो गए तब लोगों ने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंदरबल में हमारे जो पेशेंट्स एडमिटेड थे उसमें जितने भी लोगों ने अपनी फर्स्ट डोज वैक्सीन की ली थी वो लोग 100% रिकवरी के साथ अपने घर वापस गए हैं। मैं एक बार पुनः आप सब से अपील करूंगी, प्लीज 18 से 44 की जो हमारी कैटेगरी है आ करके अपना फर्स्ट डोज हमारी 94 फंक्शनल वैक्सीनेशन साइट्स पे जल्द से जल्द लगवा लें। इसी के साथ साथ 45 एंड अबव का भी जो फर्स्ट डोज है उसका वैक्सीनेशन अभी भी चल रहा है, 45 एंड अबव की सेकेंड डोज भी लगाई जा रही है। जो भी व्यक्ति अभी छूट गए हैं मैं अपील करती हूँ कि प्लीज अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जा करके अपनी रिस्पेक्टिव डोजेस प्लीज लगवा लीजिए।